तो अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द आइस एट द पोल्स मेल्ट्स एंड फ्लो पोस्ट टुवर्ड द इक्वेटर हाउ विल इट अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट। तो पहले तो ये पता रहना चाहिए आपको कि जो अर्थ पे पोल क्या होता है और इक्वेटर क्या होता है। तो अर्थ जो होती है वो पोल के अराउंड रोटेट करती है, और जो ये पॉइंट है वो है नॉर्थ पोल अर्थ का। और ये जो पॉइंट है वो है साउथ पोल। सो दिस इज द नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो इसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। और जो ये है, ये सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पोल से आइस मेल्ट होके इक्वेटर भी आ जाए। तो आइस मेल्ट होके यहाँ पे ये इक्वेटर भी आएगी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आइस है, ठीक है, ये मेल्ट होके इक्वेटर पे आ रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आइस का कुछ मास होगा। अब वो मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आई अर्थ क्या, अपनी एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी क्या होगा, 2/5 mr2। अब क्या हो रहा, पोल से अर्थ, सॉरी आइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इक्वेटर की तरफ। तो पहले आइस यहाँ थी, रोटेशन ऑफ एक्सिस से आइस की डिस्टेंस कम थी। अब क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस से आइस की डिस्टेंस या मास की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो जो तो मोमेंट ऑफ नया इनर्शिया होगा वो क्या होगा, 2/5 m/r² प्लस mr². तो ये जो आईडीएस है वो क्या ग्रेटर देन होगा, जो ये आई है जब आइस यहाँ पे, तब आई ये, और जब आइस इधर आ गई तब क्या हो गया, मास इधर हो गया, और जो जो ये रेडियस है, इसकी जो डिस्टेंस है इक्वेटर, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो इंक्रीज हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोल रहा है कि I1 ω = I2 ω2, या I ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, और dl/dt क्या होता है, इक्वल टू टॉर्क होता है। टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो L क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि L कॉन्स्टेंट रहेगा, तो I अगर इंक्रीज हो रहा है, सो D कंपनसेटिंग चेंज होना चाहिए। अगर I इंक्रीज होना है तो डी क्या, सॉरी ओमेगा शुड बी डिक्रीज, तो ओमेगा डिक्रीज होगा, ठीक है, ओमेगा डिक्रीज होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 2π/ω, तो ओमेगा डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो जो डे और नाइट है वो उसकी उनकी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्लाइटली होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी इंक्रीज। तो इसलिए जब पोल से आइस मेल्ट होके इक्वेटर की तरफ जाएगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, तो ओमेगा को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सो अगर ये डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इसका, ये धीरे रोटेट करेगी, धीरे रोटेट करेगी तो क्या, इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। जो टाइम पीरियड डे और नाइट का होता है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा होता है अर्थ का, तो वो क्या हो जाएगा, अब इंक्रीज हो जाएगा, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, वो इंक्रीज होगा, तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये इसका आंसर होगा।